पिछले दो दिन पहले मध्य प्रदेश के छतरपुर में एसडीएम पर जानलेवा हमले की खबर पर समाचार एक्सप्रेस ने बड़ी साजिश की आशंका जताई थी और बताया था कि आखिर सुबह सुबह 9 बजे एसडीएम साहब अपने दफ्तर में बिना कर्मचारियों के काम कैसे कर रहे थे। साथ ही यह भी आशंका जताई थी कि उनके गार्ड ने विरोध तक नहीं किया। इतना ही नहीं बल्कि एसपी साहब के बंगले के नजदीक एसडीएम सपकाले पर गोली चल गई और किसी को कानों कान खबर नहीं। बस क्या था, उच्च अधिकारियों और पुलिस ने खबर को गंभीरता से लेते हुए इस ओर ध्यान आकर्षित किया और शक की सुई सीधी एसडीएम साहब पर जा पहुंची। एसडीएम ने अपने ऊपर हमले की साजिश कृष्णा विश्वविद्यालय को व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाते हुए स्वयं के लिए आर्थिक लाभ लिया है। आपको बता दें कि छतरपुर एसडीएम ने अमित सिंह, अर्जुन, सतीश, सोनी नामक लड़कों को लेकर अपने ऑफिस में सुनियोजित तरीके से तोड़फोड़ करवाई थी। एसडीएम कार्यालय में तोड़फोड़ के बाद मीडिया से जुड़े लोगों को बुलाया गया और घटना को हाईलाइट करवाया गया। प्रकरण की विवेचना में स्पष्ट है कि पुष्पेंद्र सिंह गौतम और अभय भदौरिया के बीच और व्यवसायिक प्रतिद्वंदिता है। पुष्पेंद्र सिंह गौतम ने खजुराहो विश्वविद्यालय के अभय भदौरिया को फंसाने के लिए इस षड्यंत्र में एसडीएम अनिल सपकाले और जावेद अख्तर को साथ लिया। प्रकरण में एसडीएम अनिल सपकाले, पुष्पेंद्र गौतम, जावेद अख्तर, राजू बुंदेला, अर्जुन, अमित परमार से पूछताछ के आधार पर घटना में प्रयुक्त कट्टा, कारतूस, बेसबॉल का बैट, लाठी आदि बरामद कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए भोपाल से स्टेट हेड अमर वर्मा की यह खास रिपोर्ट। अमित सिंह परमार और अर्जुन सिलवास, ये लड़के हैं। इसमें अर्जुन ने फायर किया था जिससे कट्टा भी बरामद हुआ है। फायरिंग घटना सही थी? हाँ, यस, बिल्कुल सही थी। कहाँ स्क्रिप्ट थी इसकी? सर जो कितनी टोटल रिकॉर्डिंग कितनी सर मोबाइल में? मोबाइल में अलग अलग फोल्डर्स में 44,000 को सर आज न्यायालय पेश करेंगे। बोल दिए कि गिरफ्तारी नहीं हुई है आज तो कैसे पुलिस कर रहे हैं। 120 सर उनको बगैर गिरफ्तार किए अपन पूछताछ हो सकती है क्या आरोपी से? ये एसडीएम साहब की जो 30 तारीख को सिविल लाइन में था ऐसा नहीं लग रहा है जब मैं कह रहा हूँ उनसे पूछताछ चल रही है, ठीक है, और जब उनकी गिरफ्तारी के पूर्व पूरी कार्रवाई करने का बाद ही तो पेश करेंगे। वो हमारे पास है, जांच पड़ताल चल रही है और निश्चित तौर से जैसे ही हमारा जांच पड़ताल उनसे पूछताछ हो जाएगी। राजनीतिक दबाव के थोड़ी देर में लगा रहा है पुलिस के द्वारा। देखिए दबाव में कभी आते हैं और ना आपने ऐसा कभी महसूस किया होगा। जो चीज है सही है, एक एक चीज एक एक कार्रवाई बिल्कुल साफ सुथरी होगी। ये हमारा विभागीय मामला है, इसको भेजा नहीं भेजा ये उसको बताना हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन जो नियम है वो करेंगे। साजिश की वजह आपने देख लिया, मैंने कहा एक लाइन बोला था कि व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता है, किसी भी बिजनेस को फंसाना है और किसी से आर्थिक लाभ लेना है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।